तो कैसे हो आप सभी लोग, होप यू आर वेल। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरिक एसिड टेस्ट के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि यूरिक एसिड टेस्ट क्या होता है, ये टेस्ट क्यों किया जाता है, हमारे ब्लड में यूरिक एसिड की एक नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए, जब हमारे ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ मिले तो उनके एसोसिएटेड फ्यूचर में हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, पूरी नॉलेज इस वीडियो में आपको यूरिक एसिड ब्लड टेस्ट के बारे में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि भाई यूरिक एसिड क्या होता है। तो यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो हमारी किडनी ज़्यादातर उसको फिल्टर आउट करती रहती है और हमारे यूरिन से ये ज़्यादातर बाहर निकलता रहता है। देखिए ये बनता कैसे है, यूरिक एसिड हमारे शरीर में कैसे बनता है। तो देखिए जब हमारे सेल्स जो कि हमारी जो सेल्स होती है उसका रेगुलर तौर पर उसका ब्रेकडाउन होता रहता है, तो सेल्स का जब ब्रेकडाउन होता है तो उसके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, उसको हम कहते हैं प्यूरिन। ओके, जब इस प्यूरिन का ब्रेकडाउन होता है तो उससे बनता है यूरिक एसिड। ठीक है, जब हमारे ब्लड में यूरिक एसिड ज़्यादा डिजोल्व हो जाता है तो किडनी जो है उसको फिल्टर करती रहती है। ओके, देखिए जब हमारी किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो सही तरीके से यूरिक एसिड का फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएगी, उस वजह से हमारे ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है। दूसरा क्या कारण है, या तो आप ज़्यादा आपके ब्लड में सेल्स का ब्रेकडाउन हो रहा है, या आपकी किडनी सही तरीके से यूरिक एसिड को फिल्टर आउट नहीं कर पा रही है, या आप कुछ ऐसी डाइट खा रहे हैं जिसमें प्यूरिन ज़्यादा होता है, कुछ ऐसे बेवरेज खा रहे हैं जिसमें प्यूरिन ज़्यादा होता है, तो उस वजह से भी आपके शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि भाई यूरिक एसिड का टेस्ट करवाने के लिए डॉक्टर क्यों सलाह देते हैं। जब हमारे शरीर में यूरिक एसिड बनता है तो ये यूरिक एसिड क्रिस्टल फॉर्म में हमारे जितने भी प्रकार के जो जॉइंट होते हैं उस जॉइंट में डिपॉजिट हो जाता है, जैसे कि हमारे घुटनों के जो जॉइंट हैं, हमारे अंगूठे के जॉइंट हैं, हमारे अंगुलियों के जो जॉइंट होते हैं उसमें ये यूरिक एसिड क्रिस्टल फॉर्मेशन में धीरे धीरे डिपॉजिट होता जाता है, और उस वजह से हमारे जितने भी प्रकार के जो जॉइंट होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहती है, स्वेलिंग रहती है, बर्निंग रहती है, इन्फ्लेमेशन रहता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं गाउट। ठीक है, गाउट एक तरह का अर्थराइटिस होता है जो कि आप सभी लोगों ने इसका नाम सुना होगा। तो गाउट की जो बीमारी है वो हमारे शरीर में जब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है तो ये बीमारी तब होती है। ओके, तो डॉक्टर आपको या तो आपकी किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रही है, या आपको गाउट की बीमारी है, या आपको कोई कैंसर है और कैंसर की आपको कीमोथेरेपी चल रही है या रेडिएशन थेरेपी चल रही है, तो उस वजह से भी डॉक्टर आपको यूरिक एसिड टेस्ट करवाने के लिए जरूर सलाह देता है। क्योंकि देखिए कैंसर की जब कीमोथेरेपी चलती है तो ज़्यादातर हमारे जो ब्लड का सेल्स होती है, हमारी जो सेल्स होती है उसका ब्रेकडाउन होता रहता है, तो उस वजह से भी प्यूरिन बनेगा और प्यूरिन से यूरिक एसिड बनेगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर आपको यूरिक एसिड टेस्ट करवाने के लिए जरूर सलाह देते हैं। या आपको गाउट की बीमारी है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी है, या आपको कोई भी डायबिटीज की प्रॉब्लम है, या कोई भी अदर इंफ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, तो डॉक्टर आपको जरूर यूरिक एसिड टेस्ट करवाने के लिए सलाह देते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई यूरिक एसिड टेस्ट कैसे किया जाता है। तो ये दो तरीके से किया जाता है, या तो आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है या आपका यूरिन सैंपल लिया जाता है। यूरिन जो सैंपल है वो 24 आवर का होना चाहिए और ब्लड सैंपल आप कभी भी दे सकते हैं। ओके, उसके बाद आपकी एक नॉर्मल रेंज तय की जाती है। तो अगर हम इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें, भाई अगर आपने यूरिक एसिड टेस्ट करवा लिया है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि नॉर्मल रेंज क्या है, तो मेल एंड फीमेल मतलब कि पुरुषों और महिलाओं में अलग अलग रेंज होती है। महिलाओं की जो रेंज है वो 1.5 से लेकर 6.0 मिलीग्राम पर डेसिलीटर के बीच में होना चाहिए, और पुरुषों की अगर जो रेंज है वो 2.5 से लेकर 7.0 मिलीग्राम पर डेसिलीटर के बीच में यूरिक एसिड का लेवल होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको हाइपर यूरेसेमिया की आपको प्रॉब्लम है, आपको गाउट की बीमारी हो सकती है, या आपको अदर किडनी स्टोन है, किडनी फेलियर की आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको यूरिक एसिड टेस्ट के बारे में एक बेसिक नॉलेज मिली है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।